हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। संडे कमेंट बॉक्स सीरीज़ का ये वीडियो है। कुछ कमेंट्स आपके लेंगे और रिप्लाई करेंगे उनका। साथ ही इस वीडियो में आपको क्लिनिक के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हमेशा आप लोगों के कमेंट्स होते हैं कि क्लिनिक आपका कहाँ है, एड्रेस बताइए, नंबर आप पूछते हैं, तो क्लिनिक का जो नंबर है वो भी आपको आज प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो को देखते रहिए। चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आप काफ़ी समय से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि पहले भी हमने वीडियो बनाया हुआ है क्लिनिक के ऊपर, कहाँ पर है ये भी बताया हुआ था। मैं हूँ छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से, और जो क्लिनिक का नाम था पहले डॉक्टर सोनीज डेंटल केयर, इसके ऊपर भी वीडियो एक वीडियो बनाया हुआ है, और एक क्लिनिक टूर का वीडियो भी आपको कुछ दिनों पहले मैंने आपको दिया हुआ था। साथ ही जो फ्रेंड्स कंटिन्यूस जुड़े हुए हैं उनको पता है कि क्लिनिक को न्यू लोकेशन में शिफ्ट किया हुआ है और नाम भी चेंज किया हुआ है ताकि अब ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। तो जो डॉक्टर सोनीज डेंटल केयर है अब वो है चैनल के नाम जैसा, इजी डेंटिस्ट्री, जैसा आप लोग देख रहे हैं। और एड्रेस भी मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, जो आप अभी देख रहे हैं ये एड्रेस है। अगर आप छिंदवाड़ा से हैं, छिंदवाड़ा के आसपास के एरिया से हैं, आना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। ये एड्रेस है इजी डेंटिस्ट्री, राजीव गांधी प्राइवेट बस स्टैंड, इन फ्रंट ऑफ डीकॉट शोरूम। अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो बिल्कुल विजिट कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप छिंदवाड़ा से हैं, छिंदवाड़ा के नियर बाय एरिया से हैं तो। और नंबर की भी हम बात कर लेते हैं, फिर कुछ कमेंट्स आपके लेंगे। नंबर आप लोग जो हमेशा पूछते हैं, तो ये क्लिनिक का नंबर है। अगर आप कुछ क्वेरी है या फिर विजिट करना चाहते हैं स्पेशली, तो इस नंबर पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर सकते हैं, फ्लैश भी होगा, 9575956237। हिंदी में भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, 9575975627। तो ये नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं अगर आप विजिट करना चाहते हैं, ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो इसमें आप कॉल करके आ सकते हैं। तो ये क्लिनिक की बात हो गई, और कोई कन्फ्यूज़न नहीं है अब। जो इजी डेंटिस्ट्री है वैसा ही जो हमारे चैनल का नाम है वही हमारा क्लिनिक का नाम है। आगे एक थॉट के साथ ऐसा किया गया है, आगे आपको धीरे धीरे इसके बारे में पता चलता रहेगा। चलिए तो कुछ कमेंट्स ले लेते हैं अब आपके, ये इन्फॉर्मेशन हो गई, आप काफ़ी समय से पूछते हैं तो क्लियर हो गया। चलिए और भी लाइव सेशंस करेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। अभी आपके कुछ कमेंट्स ले लेते हैं, वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है। तो दीपिका दक्ष लिखते हैं, सर आई एम 27 ईयर ओल्ड, मुझे 4-5 साल से होता है ये पेन, मंथ में एक बार होता है और 3-4 दिन तक रहता है, प्लीज़ बताएं क्या करना चाहिए मुझे। ये पूछ रहे हैं विजडम टूथ वाले वीडियो में। तो जब भी इन्फेक्शन होता है विजडम टूथ में, हमने पहले भी बात किया हुआ है, ये पेन होता है, स्पेशली अगर उसकी पोजीशन सही नहीं है, तो जो आपका टूथ है उसकी पोजीशन सही नहीं है, सीधा नहीं है, तो ऐसा दर्द होता है। एक और ऐसा कमेंट है, अभी आगे आएगा, तो आप चेकअप करा लें तो ज़्यादा बेटर है, ट्रीटमेंट इसका आपको लेना है, एक्सरे करा लीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है उमेश कुमार का, लिखते हैं सर क्या ब्रेसेस निकालने के बाद सब कुछ खा सकते हैं, शुगर केन भी? हाँ आप खा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जो हार्ड मटेरियल है, हार्ड चीज़ें हैं, एकदम से आप खाना स्टार्ट ना करें। थोड़ा सा जो बोन हील होने में टाइम लगता है, मूव होते हैं दांत तो बोन हील होने में टाइम लगता है, जो रिटेनर्स दिया गया है उसको आप अच्छे से लगाएं, प्रॉपरली उसको यूज़ करें, और फिर धीरे धीरे हार्ड चीज़ें भी खा सकते हैं, आगे चल के कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। थैंक यू। अगला कमेंट है राशिदा शहीद का, लिखते हैं सर मुझे थोड़ी सी कैविटी है एक टूथ में, मुझे रूट कैनाल नहीं कराना है, मैं क्या करूं? देखिए ध्यान से आपको एक बात समझनी है, कैविटी है, दर्द नहीं होता है तो फिलिंग हो जाएगी, आप बिल्कुल फिलिंग करा सकते हैं, लेकिन जैसे आपने लिखा हुआ है कि रूट कैनाल नहीं कराना है, ये हमारी चॉइस नहीं होती। अगर ज़रूरी है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, अगर डीप है इन्फेक्शन, तो हमें टूथ को सेव करने के लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना होता है। इसके अलावा फिर दांत को निकालने का ही ऑप्शन होता है, लेकिन उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपने कहा है कि छोटी सी कैविटी है, दर्द नहीं होता है, तो फिलिंग आप अभी करा लीजिए, तो आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाना पड़ेगा आगे। थैंक यू। अगला कमेंट है सोनिया राजकुमार का, लिखते हैं सर मेरा बेटा 6 साल का है, उसके सारे दांत में सुराग है, कैविटी है, लिखना चाह रहे हैं, तो क्या वो सारे दांत निकाल कर दूसरे दांत आ जाएंगे? देखिए उनके अभी जो परमानेंट टूथ है वो तो आएंगे, ये डेसिडुअस टूथ हैं, दूध के दांत हैं,
लेकिन सारे दांत निकालना ऑप्शन नहीं है। एक बार आप उनको चेक कराइए कि प्रॉपर चेकअप पहले आपका होगा बच्चे का, कि उनको प्रॉब्लम क्या है, और अगर फीलिंग हो सकती है या फिर पेन रहता है तो जो पल्पेक्टोमी ट्रीटमेंट है, अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं, उनकी अगर ज़रूरत है तो वो कराना है। ऐसे डायरेक्ट दांत निकलवाना ट्रीटमेंट नहीं है, आगे चल के उनको प्रॉब्लम हो सकता है। मेनली जो बच्चों में प्रॉब्लम होता है जब वो परमानेंट टूथ आते हैं तो क्राउडिंग होने लगती है, आड़े तिरछे दांत होने लगते हैं। तो ऐसे उनके परमानेंट टूथ अभी आएंगे, लेकिन सारे दांत निकलवाना नहीं है, चेकअप पहले कराइए आप। थैंक यू। अगला कमेंट है शर्मीन तलत का, लिखते हैं, सर मेरा कई महीनों से एक साइड के गाल में स्वेलिंग है, अकल दांत की वजह ही है, कब तक ये रहेगी, कोई इसकी दवा वगैरह है तो बताएं प्लीज़ सर। देखिए, अभी जैसा मैंने आपको कहा था फर्स्ट कमेंट में ही, इसको इग्नोर आपको नहीं करना है, सिर्फ दवा से ये ठीक नहीं होगा। जैसे आप बता रहे कई महीनों से स्वेलिंग है, तो स्वेलिंग को वैसे ही आप इग्नोर मत करिए, चेकअप कराइए कि किस कारण से है। आप खुद से डिसाइड ना करें तो बेटर होगा कि ये अकल दाढ़ की वजह से है या किस कारण है। हो सकता है अकल दाढ़ के कारण हो, आपने पहले चेकअप भी कराया हो, तो इसको आपको ट्रीटमेंट कराना है और परमानेंट इसका सॉल्यूशन आपको लेना है। इतने महीनों तक इसको इग्नोर नहीं करना है या मेडिसिन खाकर ठीक नहीं करते रहना है। एक्सरे कराइए और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए, ज़रूरत है तो निकलवा भी सकते हैं, आगे के लिए हम सेफ हो जाते हैं। थैंक यू। तो ये थे आपके कुछ कमेंट्स और उनके रिप्लाई इस वीडियो में, इतना ही। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।